तो भाई अगाथा ऑल अराउंड का एपिसोड 4 आ गया है और इसमें भी जिस तरह से अगाथा की हमदर्दी दिख रही है इस बच्चे के लिए, लगता है हमारे साथ साथ इसे भी लगने लगा है कि यही लड़का इसका बेटा है। और इसी बात पे दो तगड़ी थ्योरी चल रही है कि ये कैसे इसका बेटा है और एक कि ये कैसे वोंडा का बेटा है। तो इन पे डिस्कशन इंटरेस्टिंग रहेगा भाई। तो इन सबसे पहले एपिसोड 4 में क्या हुआ वो बात कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है मिसेस हार्ट मतलब सेरन को दफनाने से, क्योंकि पिछले एपिसोड के एंड में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके टोली से एक मेंबर कम होने के चलते वो लोग एक दूसरी डायन को बुलाते हैं वेकअप के लिए, क्योंकि बिना कंप्लीट टोली के आगे बढ़ा नहीं जा सकता। तो इनके बुलाने पे इन्हें ये चुड़ैल मिलती है जिसने पहले ही एपिसोड में अगाथा को मारने की कोशिश की थी। और तो और एपिसोड 3 में जब से लेडी डेथ को दिखाया गया है तब से हर किसी के मुंह में बस यही बात है कि रियो बेडाली लेडी डेथ है, क्योंकि इस एपिसोड में भी देखा ना वो कैसे सेरन के डेड बॉडी के वहां से निकलती है। तो इन सब के बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मिलती है फिर से और एक घर, जिसमें भी इंटर करते ही इन सब का होलिया चेंज हो जाता है बिल्कुल एक रॉक बैंड की तरह, क्योंकि इसमें इनका इम्तिहानी म्यूजिक और सिंगिंग से रिलेटेड है। और इन सब के साथ साथ एल्सा को भी यहीं पे उसके सारे जवाब मिल जाते हैं कि उसकी माँ डगर में क्यों आई थी और उसके गाने का क्या मतलब है। इसकी माँ ने जितना भी सब किया है सब कुछ वो अपनी बेटी को बचाने के लिए की थी उनके पीढ़ियों से चले आ रहे श्राप से। हाँ, पर ये एपिसोड यहाँ तक मुझे ठीक ठाक ही लगा। एपिसोड का मेन इंटरेस्टिंग बात तो इन सब के बाद शुरू होता है जब टिन बेहोश हो जाता है उसके चोट गहरी होने की वजह से, और तब तो अगाथा का चेहरा देखते ही बनता था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बयां कर रही थी कि ये इसी लड़के में अपने बेटे को ढूंढ रही है, और ये भी कि ये रियो ही लेडी डेथ है। जिस तरह से आगा था टीन को पकड़े रियो की तरफ देख के बोलती है नहीं, उसके आंखों में वो डर और दर्द साफ झलक रहा था कि इसे मत ले जाना, क्योंकि लेडी डेथ का काम ही यही है किसी भी मरते हुए को उसके आफ्टर लाइफ तक ले जाना। इसीलिए तो आगा था उसे देख के बोलती है नहीं, पर कोई बात नहीं, उसके चोट जल्दी ही जादू से ठीक हो जाते हैं। और भाई जिस तरह से आगा था लेडी डेथ के साथ रिश्ता दिखा रही है, थैनोस और डेडपूल तो टूट पड़ेंगे आगा था पर, क्योंकि कॉमिक्स में थैनोस लेडी डेथ और डेडपूल की प्रेम कहानी अलग ही लेवल की है, वो एक अपने आप में ही अलग कहानी है, वो किसी और दिन सुनाएंगे। तो हम लोग और अगाथा जो सोच रहे थे ना कि ये टीन इसका बेटा हो सकता है, पर इस एपिसोड के आखिर में जिस तरह से रियो ने अगाथा को कहा कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है, तो हो भी सकता है क्योंकि शायद इसी ने अगाथा के बेटे को आफ्टर लाइफ तक ले गई हो, और शायद यही रीजन है इन दोनों के बीच अनबन होने का। तो यहीं पे लागू होता है मोहित भाई का थ्योरी। उनके हिसाब से ये लड़का वोंडा का बेटा हो सकता है जो अपनी मदर वोंडा को रिवाइव करने के लिए डाइन डगर में आया है। अब क्या कहें, सारी थ्योरीज तो तगड़ी लग रही है। आप बताइए आपको कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, कि ये लड़का अगाथा का बेटा है या वोंडा का बेटा? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं मिलता हूँ इसी एंड स्क्रीन के वीडियो के साथ। बाय।